हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स को कैसे मेंटेन करके चल सकते हैं, या आप फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके घर में बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं तो भी फर्स्ट एड बॉक्स रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हम मेडिकल स्टोर पर टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं या बंद रहता है मेडिकल स्टोर। तो वो सारी चीज़ें आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है जिनकी कभी भी किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मेरा छोटा सा है, वो आप देख रहे हो फर्स्ट एड बॉक्स, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। मिल्टन कंपनी का है ये, एज आप देख सकते हो नाम। तो ये बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है। आप इजीली इसमें बहुत सारी सामान रख सकते हो। इजीली आप इसको एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हो। बहुत इजी टू हैंडल है, बहुत ही प्यारा सा है, छोटू सी जगह लेता है लेकिन बहुत सारा सामान आ जाता है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है, और आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाएगी कि क्या क्या सामान आप घर में रख सकते हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गाइस, मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ आपको रिगार्डिंग फर्स्ट एड बॉक्स की। तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैं आपको क्या टिप्स देती हूँ। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये है मेरा फर्स्ट एड बॉक्स, और ये इस तरह ओपन करने का इसका बटन दिया हुआ है, इस तरीके से ये ओपन होता है। और इसके अंदर ये कंपार्टमेंट्स है, आप देख सकते हो। तो नीचे इतनी स्पेस दी हुई है कि आप इजीली बहुत सारा सामान रख सकते हो। ऊपर भी इन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तो इजी होता है कि किस ब्लॉक में आपको किस चीज से रिलेटेड सामान रखना है। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज कंपार्टमेंट छोड़ा हुआ है ताकि आपको अगर कोई बड़ी बॉटल रहे, लाइक कप, सिरप या डेटॉल वगैरह की जो बॉटल होती है, वो यहाँ पे इजीली आ सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले कंपार्टमेंट में। तो ये है, एज में मेरा 3 साल का बेटा है, तो इस वजह से मुझे बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा सामान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये है बेबी रफ, अगर बच्चों को सर्दी जुखाम वगैरह लग जाए या कफ वगैरह रहे तो वहाँ रात को हम मालिश करके उनको सुला सकते हैं। बेबी रफ है, विक्स की है। उसके बाद है ये विक्स वेपर अप, जो कि बड़े लोग भी लगा सकते हैं, बच्चे लोग भी 3 साल के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है झंडू बाम, जो कि आज के टाइम में, मतलब क्या बोलूँ मैं, संजीवनी बूटी है। आज के टाइम में हर घर में आपको बाम मिलेगी, सबकी इतनी प्रॉब्लम्स है कि बाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक मोनासिंस बाम है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मुझे इफेक्ट करती है ये, तो मैं झंडू बाम नहीं यूज़ करके ये वाली यूज़ करती हूँ। तो ये 2 बाम है हमारे घर में। और इस वाले सेक्शन में मैंने कुछ मेडिसिन रखी हुई है, लाइक ये है डाइजीन। तो जब आपको रात को अगर गैस वगैरह बन रही हो, एसिडिटी बन गई हो, तो आप इसको एक टैबलेट ले लो और आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है इसको लेने के बाद। तो ये भी मैं एनी टाइम घर पे रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद है नेक्स्ट विकोरिल, तो ये सर्दी खांसी जुखाम, सॉरी खांसी नहीं लेकिन सर्दी जुखाम के लिए ये बहुत अच्छी टैबलेट है। इसको लेने के बाद आपको 7 to 8 hours आपकी जो कोल्ड हुई है उससे रिलीफ मिल जाता है, कोल्ड खत्म नहीं होती है लेकिन इससे आपको थोड़ा आराम मिल जाता है, गला वाला जो हमारा दर्द होता है वो नहीं होता है। तो ये भी एनी टाइम घर पे चाहिए। और उसके बाद है ये पैरासीटामोल, जो कि फीवर के लिए यूज़ आती है, तो रात को ही हमको लग रहा है कि बुखार वगैरह आ गई है तो हम इसको एक टैबलेट ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखाए बिना भी पैरासीटामोल आप इजीली ले सकते हो। और उसके बाद है ये मैफ्टोल, तो जो लेडीज़ है उनकी जो प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में, बैक पेन होता है, स्टमक पेन होता है, उसके लिए भी ज़रूरी है ये, तो एक टैबलेट ले लो, आपको आराम से पेट दर्द से, बैक पेन से छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी मैं एनी टाइम घर पे रखती ही हूँ, और ये आई थिंक इस टाइप की टैबलेट आपको सब लेडीज़ के घर में मिल जाएगी। तो ये है मैफ्टोल। और जो नेक्स्ट है वो है ये सेरोडीन, तो ये सेरोडीन तो आपको सबको पता होगा ये सर दर्द के लिए होती है, तो ये देखो मैंने बहुत अच्छे वाले स्टॉक में रखी हुई है। तो ये है सारी मेडिसिंस जो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो ये है मेरा एक और डिपार्टमेंट छोटा सा, तो ये है इसमें बैंडेड, जो कि अगर हमारे हाथ पे थोड़ी सी चोट वोट लग जाती है नाइफ के थ्रू या किसी के थ्रू, बच्चा गिर विर जाए तो भी ये आप लगा सकते हो, तो ये बैंडेड है। उसके बाद मूव है, मूव सबको पता है कमर दर्द के लिए या कुछ कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है, मसल्स पेन, उसके लिए यूज होती है, तो ये पेन रिलीफ एक क्रीम है मूव। और उसके बाद है ये इनहेलर, तो इनहेलर लाइक
सर्दी जुकाम के लिए काम आता है, ये भी मैं रखती हूँ घर पे। और उसके बाद है ये थर्मामीटर, तो ये अगर आपके घर में बच्चा है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बच्चों को कभी भी टेम्परेचर मेज़र करने के बाद ही मेडिसिन देनी चाहिए। तो ये थर्मामीटर सिर्फ मेरा बेटे के लिए ही है, वही यूज़ करता है इसका इसको, तो ये थर्मामीटर भी रखती हूँ मैं। और ये सेप्टिपिन पता नहीं क्यों रखी है मैंने इसमें, लेकिन एक सेप्टिपिन भी इसके अंदर मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये चीज़, ये है मेरी एक और कंपार्टमेंट। और उसके बाद मैं नीचे वाले अपार्टमेंट में आती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है कॉटन, और ये जो पट्टी हम करते हैं लगने के बाद सीजर। तो अगर आपके घर में बच्चा है तो ये चीज़ आपको रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बच्चे कहीं पे भी गिरते पड़ते रहते हैं, नहीं पॉसिबल होता कि उनको हम उस टाइम डॉक्टर के ले जा सके। तो एटलीस्ट आप घर पे थोड़ा सा पट्टी वगैरह कर दो उनको, तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, तो उसके बाद आप डॉक्टर के ले जाओ। तो ये चीज़ भी है कॉटन पट्टी। और ये है बेटाडीन, ये भी चोट वगैरह आ जाती है, चोट खरोच उन सब के पे लगाने के लिए बहुत अच्छी है बेटाडीन, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है इसको लगाने के बाद। और एक सीजर है, तो कई बार होता है ना कि लग जाती है और सीजर के लिए हमको इधर उधर भागना पड़ता है, तो सीजर भी मैं हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स में रखती हूँ, ताकि किसी के भी पट्टी वगैरह करनी हो तो आप फटाफट से कर दो, सब सामान एक ही जगह आपको मिल जाए। और ये एक टेप है जो कि उसके लिए पट्टी के लिए ही यूज़ आती है, पट्टी से रिलेटेड सारा सामान ये मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। और उसके बाद है ये इनो, जो कि गैस वगैरह बनती है उसी के लिए आराम मिलता है, पेट दर्द वगैरह भी, लाइट पेट दर्द हो तो आप इनो ले सकते हो, तो ये इनो भी मैं इसके साथ ही रखती हूँ। उसके बाद है ORS, तो बच्चे के घर में ORS का होना भी बहुत ज़रूरी है। दो तीन अगर लूज मोशन हो रहे हैं बेबी को तो आप ORS दे सकते हो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है। ORS एक तरह से रिहाइड्रेशन थेरेपी है, जो कि आपके डिहाइड्रेशन हो गया है बेबी को तो उसके लिए यूज आती है, मतलब ये जो आपके पेट में पानी की कमी होती है उसको दूर करता है और कुछ नहीं है। तो ये है जोलफ, ये भी एक स्किन ऑइंटमेंट है, जो कि आपके अगर अंडर थाइज वगैरह पे रैशेज हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी क्रीम है, इसको आप लगा लो और एक दिन में ही आपको रिलैक्स मिल जाता है, एक ही टाइम में मिल जाता है, एक दिन में नहीं, एक टाइम भी आप लगा लोगे ना तो वो रैशेज वगैरह आपके दूर हो जाते हैं। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए ही है, तो अडल्ट जो होते हैं उनके रैशेज के लिए है ये। नेक्स्ट है सोप्रामाइसिन, सोप्रामाइसिन नॉर्मली हम इन्हीं के लिए, मतलब कुछ लग जाती है चोट वगैरह आ जाती है उसके लिए, मोर ओवर आपके अगर पिंपल भी हो रहे हैं तो उस पर भी अगर आप सोप्रामाइसिन लगा लेते हो तो भी वो भी कम हो जाता है नेक्स्ट डे। ये है टेनोवेटैम, ये भी एक्सटर्नल यूज के लिए है, लाइक मुझे थोड़ी सी धूप वगैरह में जाती हूँ तो मेरे को हाथ पे रैशेज हो जाते हैं, तो ये मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ, मेरे को रैशेज होते हैं और मैं इसको लगा लेती हूँ तो मेरे को रिलैक्स मिल जाता है, तो ये भी मेरे घर में एनी टाइम रहती है टेनोवेटैम। और उसके बाद है ये न्यूबिलाइजेशन की जो सॉल्यूशन होता है वो, तो जब बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, न्यूबिलाइज करना है, तो मेरे पास न्यूबिलाइजेशन की मशीन है घर पे ही, तो मैं उसको घर पे ही कर देती हूँ ये डाल के न्यूबिलाइज सॉल्यूशन, तो ये भी मैं अपने घर पे रखती हूँ। और उसके बाद है ये नॉर्मल एक ये नाजो क्लियर है, बच्चे के नाक वगैरह में डालने के लिए, सर्दी जुकाम लग जाती है तो ये भी बच्चे के यूज़ का ही है। उसके बाद है ये सेवलोन एंड डेटॉल, तो नॉर्मली दोनों चीज़ मैं घर पे रखती हूँ। डेटॉल अगर आप पानी में एक दो बूंद डाल के भी कभी नहाना चाहो, 7-8 दिन में तो नहा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और हमको पता है यार ये चोट वगैरह आती है उसको क्लीन करने के लिए, तो एक तरह से एंटीसेप्टिक लिक्विड है जो आपको रखना ही चाहिए आपके घर में। तो दोनों में इसलिए रखती हूँ क्योंकि डेटॉल में जलन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सेवलोन एज़ कम्पेयर टू डेटॉल थोड़ा सा कम जलता है, तो बच्चे के लिए सेवलोन यूज़ करती हूँ मैं, और हम लोगों को कुछ हो जाता है तो फिर डेटॉल है। और नेक्स्ट है मेरा ये एरिटॉप लोशन, जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो भी डाला है, तो ये भी बहुत अच्छा है गाइस। सो गाइस, ये है मेरा छोटू सा फर्स्ट एड बॉक्स, और जो मैं टिप आपको देने वाली थी वो ये है कि आप अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स
जरूर से रखें, जरूर से। ऐसा बॉक्स नहीं है आपके पास, नॉर्मल कोई छोटा सा बॉक्स लेके और थोड़ी बहुत मेडिसिन्स जो नॉर्मली आपके घर पे लगती है वो रखिए गाइस, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो बस यही था मेरा टिप, होप आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज अगर कुछ कमी है इसके अंदर, कुछ मेडिसिन्स मैं भूल रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए कि आपके पास ये नहीं है या ये क्यों रखी है। मतलब जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगी आपका। और बस कुछ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।